एक आदमी उस ओर से आ रहा है और इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर देर से तो वहाँ की स्थिति क्या है? पानी तो घर समय भर कमर भर तो सरकार के तरफ से कोई सहायता? नहीं को सता वही डेंगी दिया है एक थी जाता है आता है और कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने का? खाने पीने का ऐसे शुरू हुआ है स्कूल में तो खाने पीने का और कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है दिया है? यहाँ पे देखिए सरकार की कितनी लापरवाही है कि अभी अभी तक कोई भी स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है। अगर यहाँ कोई अनहोनी होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार ये सब नहीं जान पा रही है कि हमें नागरिक का क्या उचित व्यवस्था करना चाहिए? अब देखिए ये छोटे छोटा छोटा सा नाव का थोड़ा व्यवस्था किया हुआ है ताकि वे आगमन जारी रह सके, जो डूबे हुए जगह पे है वहाँ से लोग वापिस आ सके। अब आप बताइए कि कोई सरकार कुछ सुन रहा है क्या आपका? हाँ ना कुछ सरकार डूबी रहो इन ग्रामीणों का सरकार से सरकार के प्रति बहुत ही रोष है। हम है नंदगोला गांव में और दिनांक 15 अगस्त 2021। इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है और लोग यहाँ पे अपना जान और मवेशियों का जान बचा के किसी सुरक्षित स्थान पे आए। वहाँ पे देखते हैं कि ये एक पुल है जो बाढ़ में इधर से उधर जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ जगह ना होने के कारण, सभी जगह डूब जाने के कारण लोग इसे अपने आशियाना के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना जान बचाने के लिए छोटा मोटा झुग्गी टाइप का बना रखे हैं ताकि लोग यहाँ पे अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, जनता खुद ही अपना व्यवस्था करे। क्या सरकार इसका जिम्मेदारी नहीं लेता? क्या सरकार इसके लिए दायित्व नहीं है? यहाँ पे नहीं आया कोई अधिकारी, नहीं आता, आता भी है तो कुछ थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी से निभा के फिर चला जाता है। यहाँ पे देखते हैं एक परिवार यहाँ पे बैठे बैठा हुआ है और स्थिति इतना गंभीर है कि देखिए एक छोटा सा जगह पे कितने लोग बैठे हुए हैं और इनसे ही पूछते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति है आपके? बीमार है ये देखिए, ये यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है और स्थिति देखिए यहाँ पे लोग इतना है, लेकिन सरकार द्वारा यहाँ पे कोई भी राहत शिविर नहीं लगाया गया। अंततः अगर कोई बीमार पड़ता है या फिर कुछ दुर्घटना होता है या फिर कुछ खतरनाक जीव जंतु कोई कुछ होता है, तो अगर कुछ किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या फिर कोई घटना हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार को इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? आप बताइए, आप क्या कह सकते हैं? आप बताइए की कहे अब तक जनता बुरे नठे छे सब सरकार अभी देखते हम रह रही अपनी बो छे सरकारो नहीं दबे वोट तो सरकार कौन से बनते। ये देखिए ग्रामीण कितने रोष में है, कितने गुस्सा में है कि सरकार का कोई भी अधिकारी या फिर सरकार की ओर से कोई भी हालचाल पूछने ना के कारण ग्रामीण इतने गुस्से में हैं कि सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। ये छोटा सा अब एक दूसरा परिवार यहाँ पे है, अब देखते जाइए एक छोटा सा पुल है इस पे देखिए कितने परिवार बसा हुआ है। लगभग ये अंदाजन 50 परिवार यहाँ पे एक छोटा सा पुल में है। यहाँ पे देखिए एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि मवेशी के लिए चारा काट रहा है। अब इनसे ही पूछते हैं कि क्या लिए कोई व्यवस्था कर रखी है क्या? सरकार ने व्यवस्था नहीं रखे तो गरीब मरेगा डूबा में। तो खाए पिए व्यवस्था करको छे? हाँ कुछ करको छे, आज शुरू होलो छे। स्वास्थ्य रोक व्यवस्था डॉक्टर आदमी डॉक्टर एलो छे? अब देखिए यहाँ पे कोई भी आदमी का कोई भी मतलब है कि ये डॉक्टर नहीं आया हुआ है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब इनसे देखते हैं, आप बोलिए। लगभग 25% यहाँ पे देखिए ये बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण बोल रहा है कि लाइट के बिजली का व्यवस्था होगा क्या? अब देखिए यहाँ पे ग्रामीण इतना रोष में है, जो गांव पूरा डूब चुका है और यहाँ पे आया हुआ है, इस पुल पे रह रहा है। 200-250 लगभग लोग हैं, उसमें से लगभग 60-70 लोग बीमार होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है। ये रोष इसलिए है क्योंकि सरकार ना तो इन्हें देख रही है, ना तो कोई व्यवस्था कर रही है। आप बताइए क्या स्थिति है आपका? आपका भी तबीयत खराब है क्या? नहीं है, ये हम लोग का जो बार बार इसी साल में ये प्रतीक होता है ऐसा। अब ये देखिए ये स्थिति ऐसी बनी हुई है, इनका कहना है कि बार बार यही घटना होते रहता है। अब यहाँ पे कुछ ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इनसे पूछते हैं कि क्या सरकार आपके लिए कोई राहत शिविर लगाई है? नहीं, कोई राहत शिविर नहीं। कल से खाना शुरू हुआ, कल से सिर्फ खाना शुरू हुआ है। क्या स्वास्थ्य शिविर लगाया है? डॉक्टर भेजा? कुछ नहीं बताइए। यहाँ पे एक साथ सभी बोल रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर नहीं भेजा है। यहाँ पे लगभग
यहाँ पे देखिए लोग, देखिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सिर ढकने के लिए, मतलब है कि सिर ढकने के लिए पन्नी का पन्नी या फिर किसी भी ऐसा चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया है जिससे लोग सुरक्षित रह सके। और ये देखिए एक छोटा सा पुल है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल है, छोटा सा पुल पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके लिए कोई राहत शिविर नहीं बनाया गया है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम लाखों करोड़ों रुपए हर साल बजट करते हैं, पीड़ित के लिए पास करते हैं, लेकिन वे बजट, वे पैसा कहाँ चला जाता है। अब हम उसी क्रम में देख रहे हैं कि यहाँ स्थिति इतना भयावह है, लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लोग बीमार पड़ा हुआ है। एक छोटा सा जगह पे देखिए कितने परिवार हैं यहाँ पे। हम आगे इसी क्रम में ये देखिए इतना मवेशी, अब इधर से देखते हैं, देखिए इतना छोटा सा पुल में, एक छोटा सा पुल है, इस पर कितना परिवार बैठा हुआ है, बहुत सारा परिवार है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी शौचालय कल बनाया गया और शौचालय की दुर्गति ऐसी है। अभी देखिए कि सरकार ने ये पास तो किया कुछ और शौचालय के लिए और बना के गया कुछ और। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना कौन सा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखिए शौचालय की स्थिति देखिए, ये देखिए शौचालय की स्थिति, मतलब है कि सरकारी पैसा का इतना दुरुपयोग कि यह सरकारी तंत्र इस पैसे को गटर जाता है। और यहाँ पे लोग कैसे शौचालय करें ये बताइए, ये किस तरह का शौचालय है, मतलब किस तरह का शौचालय है, लोग यहाँ पे कैसे बैठे, यहाँ पे देखिए कैसे लोग शौच करें। और पानी की व्यवस्था नहीं, ना तो पानी की व्यवस्था, ना तो ये सिर्फ एक छोटा सा घटिया से तिरपाल से घेर दिया है और बैठा दिया गया है, और सरकारी कागज में बैठा दिया शौचालय हमने बना दिया गया। इनसे पूछते हैं क्या अभी आपकी स्थिति कैसी है। ये स्थिति खराब, जो नहीं कल नहीं पानी तो नहीं कोसा देने व्यवस्था नहीं, खाना पीना और व्यवस्था, खाना पीना तो इसको नहीं व्यवस्था, तो खाना पीना में कौन चीज दे है। वाह, भात दाल तरकारी और रात का दल खाओ खिचड़ी, और खाली भात दाल तरकारी और खिचड़ी अच्छा है। हाँ। और कुछ ना, ना। और कुछ भी ना, ना। और तो डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य शिविर कुछ भी लगला, कहीं कुछ ना, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर ले ला। सरकार से कह कह के थक चुके हैं कि मेरे लिए कुछ राहत सामग्री दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाए ताकि हमारा कुछ हो सके, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि इतना बारिश हो जाता है तो वे कहाँ रहे, क्या वे भीगते रहे अपने परिवार के साथ। आप बताइए कि आपके लिए तिरपाल की व्यवस्था क्या गया है। नहीं, अभी कुछ नहीं किया। आप सबके लिए तिरपाल की व्यवस्था क्या है। देखिए तिरपाल की व्यवस्था किसी कोई भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि मेरे लिए सरकार तिरपाल की व्यवस्था क्या जा रहा है।